फ्रेंड्स, आपने अपने मोबाइल में ये देखा होगा अक्सर कि जो ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि ये ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, ऐसे कई पेजेस में ये होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऊपर तो आइकन बने हुए हैं ऐप्स के, लेकिन नीचे खाली है। इसके बाद इसमें भी काफ़ी पोर्शन खाली, आधा पोर्शन खाली है। इसमें तो एक ही लाइन है, उसके बाद खाली है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपके कई सारे पेज बन जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे सिर्फ 5 पेज बने हुए हैं, और किसी किसी पेज में एक ही लाइन है, किसी किसी पेज में आधा भरा हुआ है। तो आप चाहें तो इस तरह के स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेज आइकन से भर जाएगा और नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप जो है ये टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट डॉट के बटन दिए हुए हैं, आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लीन अप पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे होंगे नीचे 3 पेज केवल आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, 3 पेजेस सारे भर गए हैं। ये 3 पेजेस हैं जो कि 5 पेजेस पहले थे, अब केवल 3 पेजेस बचे हैं। अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो ऊपर अप्लाई का जो बटन दिया हुआ है, अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये केवल 3 पेजेस में हो जाएंगे और फुल भरे हुए हैं, या जहाँ पर फुल नहीं भरा हुआ है तो वहाँ उसके बाद कोई ऐप नहीं है। तो ये 3 पेजेस में, 5 पेज में जो पहले था, वो 3 पेजेस में सारे ऐप आ चुके हैं। तो बहुत ही आसान था दोस्तों इसको करना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने किया, और ये सैमसंग गैलेक्सी 7 में इस तरह का फीचर है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी और तरह से ये फीचर एक्टिवेट होता हो, तो आप उसमें खोज लीजिए अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है जो हमने आपको दिखाया है। लेकिन सभी एंड्रॉयड के फ़ोन में ये चीज़ पॉसिबल ज़रूर होगी। तो दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।